नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की स्टोरी है लॉन्ग स्टोरी, यानी आप सभी को पता है मैं शॉर्ट लाता हूँ, मीडियम लॉन्ग स्टोरी, तो जिनको जो पसंद है सभी के लिए उस प्रकार से वीडियो लाता हूँ। यदि जिन्हें शॉर्ट वीडियो पसंद है वो भी स्टोरी को जहाँ तक उनके पास टाइम हो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि होना तो फ़ायदा ही है, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ट्रांसलेशन सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर स्टोरी में कुछ ना कुछ नए वर्ड्स होते हैं, पुराने वर्ड्स भी होते हैं, पुराने सेंटेंसेस भी होते हैं, जिसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्या होता है, बहुत अच्छी तैयारी होती है। अगले बार कहीं भी आप यदि उस सेंटेंस को देखते हैं या वर्ड को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा हमने तो स्टोरी में ऐसी पढ़ी थी। इसलिए बार बार रिपीट होता है तो भी फायदेमंद है, नया आता हो तो फायदेमंद है ही। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का टाइटल है आज का अ, यानी एक बेनेवलेंट, इसे हम पढ़ेंगे बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला, उदार, है ना, उसे हम बेनेवलेंट कहते हैं। मंकी, मंकी यानी होता है बंदर। अब आप बोलेंगे सर बेनेवोलेंट मंकी ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो भैया आपको बता दूं, इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल एकदम आप बोलेंगे परफेक्ट नियम होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि हम इसे ओ लिखा है तो कभी अ पढ़ें, ओ लिखा है तो ओ पढ़ें। तो ये जो एकदम आप बोलेंगे परफेक्ट नियम बताओ तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे आपको पता है पी डबल ओ आर पुअर होता है, तो डी डबल ओ आर डोअर होना चाहिए, वो कि डोर होता है। तो आपको यही बोलना चाहूँगा मैं, जैसे कि आपने अपनी मातृभाषा जो भी आप जानते हैं सुन सुन के सीखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा उसके ग्रामर में नहीं जाते, आप ये नहीं पूछते घर में कि ओ की मात्रा क्यों, ओ की मात्रा इतना ज़्यादा आप नहीं पूछते, बिल्कुल आप सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे इंग्लिश में भी कीजिए, यदि आप ये सब नियम के पीछे पढ़े होंगे ना, यहाँ पे ओ क्यों, हम ओ क्यों नहीं पढ़ रहे, अ क्यों पढ़ रहे, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो हर जगह वो नियम काम नहीं करता। इसके लिए मालूम मैं रूल बता भी दूं तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट वर्ड जो भी आने वाला है वहां पे यदि ओ को हम ओ पढ़ेंगे कि अ पढ़ेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन होने के बाद भी कहीं पे उसका उच्चारण अलग होता है। तो आप ये सब कंफ्यूजन में ना रहें, जो जो मैं पढ़ रहा हूं या फिर जैसे पढ़ा जाता है या फिर आप कहीं पे भी सुनते हैं सही इंग्लिश सुनते हैं, तो आप बिल्कुल वैसे उच्चारण करने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। ये सब कंफ्यूजन में ना रहिए, जो जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखिए और समझते जाइए। तो ये मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा, इसलिए बिल्कुल भी लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्पीड रहेगा आज मेरा, क्योंकि स्टोरी लंबी है लेकिन आपको समझ जरूर आने वाला है। सबसे पहले लाइन देखते हैं, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस इन द फुट हिल्स, ठीक है, ऑफ द हिमालयास। तो देयर वॉज अ ब्यूटिफुल यानी एक, ब्यूटिफुल यानी बहुत सुंदर, सुंदर जगह, इन यानी में, ठीक है, वॉज यानी था, एक बहुत सुंदर जगह था, फुट हिल्स मतलब तलहटी बोलते हैं ना, तलहटी नीचे का जगह तलहटी बोलते हैं, ऑफ द हिमालयास। तो हिमालयास जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके तलहटी मैंने नीचे के भाग में एक बहुत ही सुंदर जगह था। ये देयर केवल डमी वर्ड है, इसको हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन इसका हम मीनिंग नहीं निकालते। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहां, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब नहीं निकालेंगे, केवल यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसे देयर का यूज किया जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। अब देखिए, एक बहुत ही सुंदर जगह था हिमालय के तलहटी में, नेचर हैड स्प्रेड इट्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज रिवर्स एंड स्प्रिंग। अब यहां तक देखिए इसका मतलब क्या है, नेचर हैड स्प्रेड मतलब नेचर ने क्या किया हुआ है, स्प्रेड यानी होता है फैलाया, नेचर प्रकृति ने क्या हुआ था, फैलाया हुआ था इट्स ब्यूटी इसकी सुंदरता को ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन यानी में, फॉर्म ऑफ यानी होता है रूप में, किसके रूप में फैलाया हुआ था, ट्रीज यानी पेड़ों के रूप में, रिवर्स यानी नदियों के रूप में, एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी क्या होता है, स्प्रिंग यानी दो मतलब होता है, एक तो स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, उसे स्प्रिंग कहा जाता है, या फिर बहार, उसे भी हम स्प्रिंग कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि प्रकृति ने पूरे चारों तरफ सुंदरता फैलाई हुई थी, पेड़ों के रूप में मैंने बताया ना, फॉर्म यानी रूप, नदियों के रूप में, बहारों के रूप में। तो The valleys of beautiful flowers further added to its beauty. The valleys यानी होता है घाटियां, ठीक है, घाटी आप सभी को पता है, गहरी गहरी घाटी, beautiful flowers जहां पे क्या थी, सुंदर सुंदर फूल, further यानी होता है आगे की, ठीक है, या फिर और भी, तो और भी एडेड यानी जोड़ना, और भी सुंदरता क्या करती थी, इट्स ब्यूटी इसकी सुंदरता को बढ़ाते थे, एड यानी बढ़ाना जोड़ना, तो घाटियों के जो सुंदर सुंदर फूल थे इसकी सुंदरता को और ज्यादा क्या कर रही थी, बढ़ा रहे थे। तो मैंने आपको बता दें फर्दर यानी आगे की या फिर और भी। फिर क्या हुआ देखिए, अ मंकी बाय द नेम ऑफ दया, ठीक है, एक बंदर बाय द नेम ऑफ दया ने दया नाम से, दया नाम का ऐसे बोल सकते हैं, लिव्ड रहता था इन दिस ग्रीन एरिया, इन यानी में, दिस ग्रीन इस हरे भरे क्षेत्र में, एरिया यानी क्षेत्र, रहता था दया नाम का बंदर,
ही वॉज अ सेंट बाई नेचर एज ही पजेस्ड ऑल द गुड हैबिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है इसलिए आप घबराते हैं, इंग्लिश कठिन है। यदि आपको मीनिंग पता चल जाए तो बहुत हद तक आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ही वॉज, वह था, और यानी एक होता है सेंट, यानी क्या होता है सेंट का मतलब होता है संत, बोलो सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो सेंट यानी होता है संत, ठीक है। संत आप सभी को पता है, साधु संत वाला, अच्छा स्वभाव का। बाय नेचर यानी अपने स्वभाव से संत था। एज ही, जैसे वो क्या था, पजेस्ड। अब यहां पजेस्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त हुआ था उसे, जैसे कि प्राप्त हो। ऑल द गुड्स हैबिट, गुड यानी अच्छे अच्छे, हैबिट्स यानी होता है आदतें, जैसे कि उसे क्या प्राप्त हो, सभी अच्छी अच्छी आदतें मिली हो, प्राप्त हो। He loved and was very kind to all. He loved, वह क्या करता था, प्यारा था, प्यार करता था, and was, और था, very kind to all. Kind यानी होता दयालु, बहुत ज्यादा दयालु था to all, सभी के लिए, सभी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और दयालु था। He also used to help others in their troubles. He also, वह हमेशा, also यानी हमेशा, also यानी भी होता है, हमेशा भी होता है। used to का मतलब किया करता था, हेल्प मदद किया करता था, तो यूज टू का मतलब होता था किया करता था। ही यूज टू ईट, खाया करता था। ही यूज टू सॉन्ग है, सॉरी, ही यूज टू सिंग, वह गाया करता था। तो इस प्रकार से यूज टू का मतलब कुछ चीज किया करता था। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ही ऑल्सो यूज टू हेल्प, वह हमेशा मदद किया करता था अदर्स यानी दूसरों की, इन देयर ट्रबल्स, इन यानी में, देयर यानी उनके, ट्रबल्स यानी होती है कठिनाइयों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, मुसीबतों में मदद किया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देयर यानी होता है उनका, और ये देयर यानी वहां होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकालते। क्लियर हो गया, हर चीज समझ आ रहा है, थोड़ा सा इसी स्पीड में चलूंगा लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। वन डे अ पर्सन केम देयर इन सर्च ऑफ इस काउ। वन डे, एक दिन, अ पर्सन एक व्यक्ति, पर्सन यानी आदमी, व्यक्ति, केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, देयर, देयर यानी वहां। देखिए अब वहां पे देयर में हमने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ऊपर मैंने आपको बताया, और यहाँ पे देयर बीच में से वहां आया, वहां आया। इन सर्च ऑफ, इन सर्च यानी होता खोज में, ऑफ यानी का, हिस यानी उसके, काउ यानी गाय, यानी उसकी गाय की खोज में वहां पे आया। He was tired, वह थका हुआ था, tired यानी थकना, and almost, और लगभग, almost यानी लगभग, exhausted, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप नया शब्द, exhausted मतलब क्या होता है, थका हुआ होना, कमजोर होना, उसे exhausted कहते हैं, कमजोर हो चुका था। He sat under a tree, ठीक है, वह बैठा, sit यानी बैठना, sat यानी बैठा, past tense में sat बोलते हैं, वह बैठा, under यानी होता है नीचे, a tree एक पेड़ के नीचे बैठा, to take rest, take यानी लेना, rest यानी आराम, आराम लेने के लिए बैठा। He was feeling hungry, वह was के साथ कोई भी verb मैंने आपको बताया था, ng लगाओ तो रहा था, रही थी। He was feeling, वह महसूस कर रहा था, feel यानी महसूस करना, ing लगा हुआ है तो रहा था, रही थी, क्योंकि was लिखा हुआ, यही पे ये होता, he is feeling, तो वह महसूस कर रहा है, ऐसे होता। He was feeling hungry, वह भूखा महसूस कर रहा था, ठीक है, hungry यानी भूखा। He looked here, वह देखा, looked यानी देखा, look यानी देखना, ed यानी past tense, देखा, उसने देखा, ही यानी वह भी होता, उसने भी होता, ठीक है। उसने देखा, here and there, here यानी यहाँ, there यानी वहाँ, यहाँ वहाँ देखा, for something to eat, for यानी के लिए, something यानी कुछ चीज, to eat खाने के लिए कुछ चीज, ठीक है, खाने की कुछ चीज के लिए वो क्या किया, इधर उधर देखा। द मंकी थॉट, बंदर ने सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट उसका पास्ट टेंस है, मंकी ने सोचा, ऑफ द मैन, ठीक है, थॉट यानी उस आदमी के बारे में सोचा, एज हिज गेस्ट, एज हिज गेस्ट यानी उसके क्या सोचा, मेहमान, उसे अपने मेहमान के रूप में सोचा, एज यानी होता है के रूप में, ठीक है, अपने मेहमान के रूप में सोचा कि भाई जंगल में आया तो ये मेरा मेहमान है, जंगल मेरा है तो मेरे मेहमान के रूप में है। एंड टू कीप हिम हंग्री, और कीप यानी रखना, हिम यानी उसे, हंग्री यानी भूखा, और उसे भूखा रखना, वुड बी सिनफुल, वुड बी यानी होगा, सिनफुल, देखिए ये भी नया वर्ड है, सिनफुल मतलब होता है पाप, पापी, ठीक है, उसे हम सिनफुल बोलते हैं, यानी पापयुक्त। तो क्या होगा, यदि मैं अपने मेहमान को क्या करूंगा, भूखा रखूंगा, तो ये पाप होगा। तो आपको समझ आ गया, सिनफुल यानी होता है पाप होना, ठीक है। सो ही ब्रॉट सम प्लम एंड केप नियर द ट्री वेयर ही वॉज लाइंग, ठीक है, अब यहाँ पे लाइंग यानी होता है लेटा हुआ होना, लाइंग यानी झूठ बोलने को भी बोलते हैं, और लाइंग यानी होता है लेटा हुआ होना, ठीक है। अब देखते हैं, सो ही ब्रॉट, तो उसने लाया, ब्रिंग यानी लाना होता है, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का पास है ब्रॉट,
तो उसने लाया सम प्लम, सम यानी होता है कुछ, प्लम यानी होता है बेर, बेर आपसे पता खट्टी मीठी बेर, कुछ बेर लाया एंड केप्ट और रखा, कीप यानी रखना और पास इसमें केप्ट बोलते हैं, और रखा नियर यानी पास में द ट्री, पेड़ के पास में रखा, वेयर ही वॉज लाइंग, जहां पर, वेयर ही वॉज यानी जहां पर वह था, क्या कर रहा था, लाइंग यानी लेटा हुआ था, लेट रहा था, लेटा हुआ था ऐसे बोलेंगे, ठीक है, जहां पे वो लेटा हुआ था, ही वह, देखिए लाइंग यानी पड़ा हुआ होना, लेटा हुआ ना, मैंने आपको बता दिया ना, ही देन ड्रॉप्ड अ फ्रूट टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन विच ही हर्ड एंड वॉज प्लीज टू सी सम प्लम्स लाइंग नियर हिम, इतना लंबा है कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे ट्रांसलेट कीजिए समझ आएगा, ही वह या फिर उसने देन तब ड्रॉप्ड, ड्रॉप यानी होता है गिराना, बोलते हैं ड्रॉप बूंद गिराना, ड्रॉप्ड बोलते हैं, ड्रॉप यानी गिराया, ठीक है, गिराया अ फ्रूट एक फल को गिराया, टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना यानी आकर्षित करना अपनी ओर, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान बढ़ाना अपनी ओर, ठीक है, अट्रैक्ट करना ध्यान खींचने के लिए, हिज अटेंशन उसकी अटेंशन यानी क्या होती है, अटेंशन मतलब बोलना चाहिए उसका ध्यान, ध्यान खींचने के लिए एक फल गिराया, विच ही हर्ड जिसे ही हर्ड उसने सुना एंड और हर्ड, हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुना, उसने सुना एंड वॉज प्लीज और क्या हो गया था, प्लीज, प्लीज यानी होता है खुश होना, यानी उसने फल गिराया कि वो क्या होगा, सुनेगा इसे और क्या होगा, खुश हो जाएगा, प्लीज यानी खुश हो जाना, टू सी सम प्लम्स लाइंग नियर हिम, टू सी देखने, देखकर सम प्लम्स कुछ बेरों को, लाइंग नियर हिम, लाइंग यानी पड़ा हुआ होना, नियर हिम उसके पास में, तो वो ये सोचा बंदर कि एक फल गिराता हूं ताकि वो देखे और आसपास अपने फल को देखे, जो इतना सारा फल मैंने रखा है, तो एक फल को गिराया ताकि उसके ध्यान क्या हो, उसकी ओर आकर्षित हो, और वह आसपास अपने फल को देखेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए उसने फल गिराया। फिर क्या हुआ देखिए, ही एट उसने खाया, ठीक है, उसने देखा अपने आसपास, फिर क्या हुआ उसने खाया एंड फाउंड देम, फाउंड यानी होता है पाया, ठीक है, उसने फाउंड यानी पाया, और उसने क्या पाया देखिए, देम टू बी वेरी टेस्टी, फाउंड देम यानी उसे पाया, किसे पाया, बेरों को, जो बेर गिरा हुआ था ना उसे क्या पाया, वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट पाया, अरे वाह ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है, व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, फॉर मोर, फॉर यानी के लिए, मोर यानी ज्यादा, ज्यादा के लिए, और ज्यादा के लिए ऊपर देखा कि और बेर खा लेता हूं, बट फाउंड दैट, लेकिन पाया कि इट वॉज नॉट द प्लम, ये प्लम नहीं था, वॉज यानी था, इट यानी ये, नॉट यानी नहीं, प्लम यानी बेर, ट्री यानी पेड़, कि ये पेड़ का, सॉरी ये बेर का पेड़ नहीं था, उसने पाया कि बेर का पेड़ नहीं था, तो भाई क्योंकि बंदर है तो दूसरी जगह से लाया था ना, ही सर्च, उसने खोजा, सर्च यानी खोजना और सर्ज, सर्ज्ड, ईडी लगा पास्ट टेंस है ना, उसने खोजा एंड सून और जल्दी ही, सून यानी होता है जल्दी ही, फॉन यानी पाया, जल्दी ही पाया, इट नियर अ हिल, इट नियर यानी उसे, नियर यानी पास में, अ हिल, हिल यानी होता है पहाड़ी, ठीक है, एक पहाड़ी के पास में पाया उस बेर के पेड़ को, ही क्लाइम्ड अप, वह ऊपर चढ़ा, क्लाइम बोलते हैं ना, क्लाइंबिंग ऊपर चढ़ना, उसे क्लाइम बोलते हैं, पहाड़ी पे चढ़ना, क्लाइम यानी चढ़ा, अप यानी ऊपर, ऊपर चढ़ा द ट्री, पेड़ पर है ना, टू प्लक, प्लक यानी होता है तोड़ना, प्लक यानी कि तोड़ना को प्लक कहते हैं, इट्स फ्रूट, इसके फलों को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा, इट्स, इट्स यानी ये, ठीक है, अब यहां पे देखिए डेलिकेट, अब डेलिकेट का मतलब क्या होता है, डेलिकेट का मतलब नाजुक, कोमल, ये नाजुक या फिर इस नाजुक, ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी होता है शाखा, ठीक है, शाखा आप सभी को पता है टहनियां होती है ना, ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, तो ये मान लीजिए पेड़ है तो इसमें पतली पतली टहनियां निकली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस, बहुत सारे शाखा निकले उसे ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है, तो इसकी जो कोमल जो ब्रांचेस थी, टहनियां थी, ऑलरेडी लोडेड, ऑलरेडी यानी पहले से ही, लोडेड यानी भरे हुए थे विथ फ्रूट, फलों से, कुड नॉट बेयर द वेट, कुड नॉट यानी नहीं सकता था, बेर यानी होता है, देखिए बेर यानी भालू भी होता है, और बेर यानी क्या होता है, सहन कर सकना, उस भार को सहना, उसे भी बेर बोलते हैं, बियर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बेर पढ़ेंगे, बियर यानी तो आप सभी को पता है शराब, जो शराब टाइप से ही होता है उसे बियर कहते हैं, बी डबल ई आर है ना, इसे बेर कहते हैं, बेर यानी भालू भी होता है, बेर यानी सहन करना, तो वो जो नाजुक नाजुक जो शाखाएं थे उसमें पहले से क्या भरे हुए थे, बेर भरे हुए थे पहले से, और वो सह नहीं पा रहे थे वेट ऑफ द पर्सन, वेट यानी होता है
वजन ऑफ द पर्सन यानी उस आदमी का वजन नहीं सह पा रहा था। इट ब्रोक, ये टूटा, ब्रेक यानी टूटना और ब्रोक यानी टूटा, ये क्या हुआ, टूटा। एंड ही फेल, और वह गिरा, फेल यानी गिरना। इन द डीप ट्रेंच बिलो, इन यानी में, द डीप यानी होता है गहरा, गहरी। ट्रेंच, ट्रेंच यानी होती खाई, बिलो यानी नीचे, और वह नीचे गहरी खाई में गिर गया, क्योंकि फल तो पहले से भारी था, सॉरी वो शाखा था, उसमें पैर रखा, उस सह नहीं पाया, बेयर नहीं कर पाया, तो वो क्या हो गया, टूट के नीचे गिरा और नीचे गहरी खाई में गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, देखिए लंबी स्टोरी पहले बता रहा हूँ, जो छोटी स्टोरी वाला जिनको लग रहा है लंबी होगी तो आप जा सकते हैं बिल्कुल भी, और सीखने की इच्छा है तो रुक सकते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैन टू कम आउट ऑफ ट्रेंच, ठीक, ऑफ द ट्रेंच। इट वॉज डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा कठिन था, वेरी यानी बहुत, डिफिकल्ट यानी कठिन था, फॉर द मैन यानी आदमी के लिए, फॉर यानी के लिए, द मैन आदमी के लिए, टू कम आउट, कम आउट यानी बाहर निकलना, बाहर निकलने के लिए, ऑफ द ट्रेंच यानी खाई से, एज जैसे कि, इट वॉज वेरी डीप, जैसे कि ये बहुत ज्यादा क्या था, गहरा था, वेरी यानी बहुत, डीप यानी गहरा, वॉज यानी था, ये बहुत गहरा था। ही कुड नॉट गैदर करेज टू क्लाइंब अप, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नया चीज मिलेगा, ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता था, ठीक है, कैन का कुड हो जाता है पास्ट टेंस में, कैन यानी सकना, कुड यानी भी सकना, लेकिन पास्ट टेंस में कुड बोलते हैं। ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता था, गैदर यानी क्या हुआ, इकट्ठा करना, करेज, इसे करेज पढ़ते हैं, ठीक है, करेज, इसे कोरेज ऐसे नहीं पढ़े, करेज, करेज यानी क्या होता है, साहस, हिम्मत, वह हिम्मत इकट्ठा नहीं कर सका। टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए, ऑन द स्लिपरी माउंटेन, ऑन यानी पर, स्लिपरी यानी क्या होता है, फिसलने वाला, स्लिप करना, फिसलना, तो उसे स्लिपरी बना हुआ, फिसलन भरा हुआ, फिसलने वाला माउंटेन, पर्वत, यानी वो चिकनाहट भरी, फिसलन भरी पर्वत पर चढ़ने का वो हिम्मत नहीं कर पाया कि नहीं भाई मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, फिसल के गिर जाऊंगा। मेनी डेज पास बाई, देखिए मेनी डेज पास बाई मतलब होता है गुजरना, बहुत दिन गुजरे, गुजर गए। ही सर्वाइव, वह जीवित रहा, सर्वाइव यानी होता है जीवित रहना, ऑन द प्लम्स, बेरों पर, वो जो बेर फल था, दैट की वह लाइंग, दैट यानी जो भी होता है, की भी होता है, जो वह लाइंग यानी गिरे हुए थे, देयर यानी वहां, अलोंग विद द ब्रोकन ब्रांच, ठीक है, अलोंग यानी साथ में, विथ, ठीक है, अलोंग यानी के बीच, विथ यानी साथ में, द ब्रोकन ब्रांच, ब्रोकन यानी टूटे हुए, ब्रांच यानी क्या होता है, मैंने आपको बताया था शाखा टहनी, उसे ब्रांच कहते हैं, ठीक है, तो ब्रांच यानी शाखा। तो यहां पे क्या कहा गया है कि वो जीवित था, वो बेरों पर, जो कि अलोंग यानी साथ में, सॉरी अलोंग यानी बीच में, किसके बीच में, जो टूटे हुए जो शाखा थे ना जिसमें फल भरा हुआ था, उसके बीच में क्या था, जीवित था, क्योंकि बेर उसमें टूटे हुए थे और उसे को खा खा के कुछ दिनों तक वो जीवित था। बट लेकिन द कंडीशन ऑफ द पर्सन वॉज वर्सिंग डे बाई डे, अब यहां पर नया चीज देखने मिलेगा, बट द कंडीशन, कंडीशन तो आप सभी को पता है, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति, उसकी हालात, उसे कंडीशन कहते हैं। मौसल बोलते सर उर्दू में क्यों नहीं सिखाते हो, भाई मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, पहली बात तो मैं मतलब मेरी जो कास्ट में भी मैं जो उर्दू शब्द बहुत कम यूज़ कर पाता हूँ मैं, वैसे तो डेली लाइफ में तो हम उर्दू शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आप बोलोगे ना कि उर्दू में इसका मतलब क्या होगा तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, कुछ कुछ पता है क्योंकि मैं उर्दू भाषी नहीं हूँ बिल्कुल भी, कोशिश करूँगा समझाने, क्योंकि बहुत से मुस्लिम भाई बहन भी जुड़े हुए हैं तो उनकी डिमांड रहती है उर्दू में भी बताइए, तो जितना हो सकता है कर पाता हूँ, लेकिन आपको क्लियर बता दूँ उर्दू तो मुझे नहीं आती है, ठीक है। बट द कंडीशन, लेकिन उसकी स्थिति, हालात, ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति की, उस आदमी की, वॉज वर्सिंग, वर्स बोलते ना, वर्स यानी बेकार, बदतर, उसे वर्सिंग बोलते हैं, बदतर थी, डे बाई डे यानी हो रही थी, डे बाई डे यानी दिन ब दिन, क्योंकि वॉज के साथ यहां पे आईएनजी जुड़ा हुआ है, वो भी वर्ब में, यानी क्या हो रही थी, उस आदमी की हो रही थी, बेकार हो रही थी स्थिति, दिन बाई दिन, है ना, यानी दिन प्रतिदिन, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कब तक बेर खा के जिएगा वो, उसकी स्थिति बेकार ऊपर बेकार हो रही थी। वन डे, एक दिन, द काइंड मंकी, काइंड यानी दयालु, मैंने बताया था ना दया करने वाला बंदर, दया जिसका नाम ही दया था, हैपन टू पास बाय दैट प्लेस, हैपन यानी हुआ, ऐसा क्या हुआ, टू पास बाय दैट प्लेस, उस जगह से गुजरा, उसका गुजरना हुआ, हैपन यानी गुजरना होना, ठीक है, पास गुजरना, तो एक दिन उसका वहीं से उस जगह से गुजरना हुआ बंदर का, भाई वो तो इधर उधर घूमते ही रहता है। ही वॉज फीलिंग हंग्री, वह भूखा महसूस कर रहा था या उसे भूख महसूस हो रही थी। ही वेंट नियर द प्लम ट्री,
ही वेंट, वह गया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होते हैं, तो पास्ट टेंस गया के लिए हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, ही वेंट, वह गया नियर यानी पास में द प्लम ट्री, उस बेर के पेड़ के पास गया, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज यानी क्या होता है आश्चर्यचकित हैरान हो जाना, वह हैरान था टू सी द मैन आदमी को देखकर लाइंग इन द डीप ट्रेंच, लाइंग यानी पड़ा हुआ होना, इन यानी में, डीप ट्रेंच यानी गहरे खाई में पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, ऑल दो यानी होता है हालांकि द मंकी वॉन्टेड टू, बंदर चाहता था, ठीक है, मंकी वॉन्टेड टू, बंदर चाहता था सेटिस्फाई हिज हंगरी, सेटिस्फाई यानी होता है संतुष्ट करना, हिज हंगर, ठीक है, अपने भूख को शांत करना चाहता था, संतुष्ट करना चाहता था, येट सीइंग द मैन इन डिस्ट्रेस, येट सीइंग यानी ऐसा देखकर, इस प्रकार से देखकर द मैन इन डिस्ट्रेस, ठीक है, उस आदमी को डिस्ट्रेस देखकर, डिस्ट्रेस यानी होता है संकट में, ठीक है, संकट, अब इसका उर्दू क्या होगा, मुसीबत, ठीक है, क्लियर हो गया, तो मुसीबत में देखकर उस आदमी को ही प्रिफर्ड, उसने प्रिफर्ड यानी होता है प्रिफर्ड का मतलब क्या होता है, उसने पसंद करना, आगे बढ़ाना, पहले उसे क्या बोलना चाहिए, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देना, उसे प्रिफर्ड बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिकता देना, उसे पहले करना, टू हेल्प हिम फर्स्ट, कि उसकी मैं क्या करूं, सबसे पहले मदद करूं, तो उसने संकट में उसे मदद करूं, उसने पहले प्रिफर्ड किया, ही स्टॉप क्लाइंबिंग, उसने बंद किया क्लाइंबिंग यानी चढ़ना बंद कर दिया द ट्री यानी पेड़ पर, एंड गॉट डाउन और नीचे आया, गॉट डाउन यानी नीचे आना, ठीक है, टू हेल्प द मैन आदमी की मदद करने के लिए, फॉरगेटिंग यानी भूल कर, फॉरगेटिंग यानी होता है भूल कर, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेटिंग यानी होता है भूल कर, ही संगर अपनी भूख को भूल कर मदद करने आ गया, ही अप्रोच द पर्सन, वह लोग, वह उस आदमी के पास पहुंचा, अप्रोच यानी पहुंचना बोलते ना, बहुत अप्रोच वाला आदमी यार, पहुंच वाला आदमी, वही अप्रोच्ड, वह पहुंचा उस आदमी के पास, एंड कंफर्टेड हिम, कंफर्टेड हिम यानी उसे क्या किया, कंफर्ट यानी आराम देना, ठीक है, उसे आराम देना, दिलासा देना, उसे कंफर्ट करना, उसे उसने क्या किया, कंफर्ट किया कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आराम से रहो, उसके मन को आराम दिया, हेलो नाउ आई एम हियर, अभी मैं यहां हूं, ठीक है, अब मैं यहां हूं, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें नीड यानी जरूरत, नॉट यानी नहीं, वरी यानी चिंता, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, वरी एट ऑल यानी होता है बिल्कुल भी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वेट अ लिटिल मोर, वेट यानी इंतजार करो, लिटिल मोर यानी कुछ देर बस इंतजार करो, आई विल डेफिनेटली टेक यू आउट ऑफ दिस ट्रेंस, आई विल डेफिनेटली, मैं जरूर, विल यानी होता है फ्यूचर टेंस, गागी गे, डेफिनेटली यानी बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूंगा, टेक यू यानी बाहर ले जाना, टेक यू आउट बाहर ले जाऊंगा, ऑफ दिस ट्रेंस इस खाई से, तो क्लियर हो गया हर वर्ड हर सेंटेंस, कि मैं तुम्हें जरूर इस खाई से बाहर ले जाऊंगा, इसलिए विल का यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस गागी गे, विल दिखाना समझ जाओ, फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, गागी गे आना ही आना है, देयर आफ्टर उसके बाद ही वह, ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिहर्स्ड, ठीक है, मैं रीज्ड ऐसा देख रहा था, ठीक से पढ़ा था, यहां पे होता है रिहर्स्ड, मतलब रिहर्सल करना, रिहर्सल बोलते ना, मतलब उसका मतलब होता है तैयारी, उसे हम रिहर्स्ड बोलेंगे, ठीक है, तो ही रिहर्स्ड, उसने रिहर्स्ड यानी प्रैक्टिस की है ना, तैयारी की, विद अ स्टोन यानी एक पत्थर के साथ, इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन, इक्वल यानी बराबर, ऑफ द वेट, वेट यानी होता है वजन, ऑफ द मैन यानी उस आदमी का, बाय टेकिंग इट ऑन हिज बैक आउट ऑफ द ट्रेंस, बाय टेकिंग इट यानी इसे ले जाकर, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, उसकी पीठ पर, आउट ऑफ द ट्रेंस खाई के बाहर, यानी उसने क्या किया, रिहर्स किया, तैयारी की एक पत्थर को, जो कि क्या हो, उस आदमी के बराबर का पत्थर, तो भाई सीधा आदमी को पीठ पर बैठा के नहीं ले गया, क्योंकि सीधा आदमी को बैठा के ले गया क्या पता ले जाऊंगा कि नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, तो पहले उसने बड़ा सा पत्थर, उस आदमी के लगभग बराबर का पत्थर अपनी पीठ पर रखा, और ऊपर चढ़कर उसे क्या किया, खाई के ऊपर उस पत्थर को ले जाके रख दिया, फिर उसे लगा कि जब मैं पत्थर उसके वजन का ले जा सकता हूं तो उसे भी ले जा सकता हूं, तो उसने क्या किया, रिहर्स किया, तैयारी की, ठीक है, कि मैं ले जा सकता हूं, फिर क्या हुआ देखिए, अब उसे पता चल गया हाँ ये तो मैं ले जा सकता हूं, व्हेन ही फेल्ट दैट, जब उसे महसूस हुआ कि ही कुड टेक, वह कुड यानी सकता है, टेक यानी ले जाना, वह ले जा सकता है द मैन आउट, आदमी को बाहर ले जा सकता है, ही सेड, उसने कहा, डू नॉट लूज
हार्ड, ठीक है, लूज नहीं पढ़ेंगे इसे, लूज हार्ट, यानी क्या बोलते हैं हम इसे, बोल सकते हैं लूज हार्ट मतलब अपने दुखी मत हो, बोल सकते हैं, ठीक है, या अपने बोलते हैं ना लूज यानी खोना, हार्ट यानी दिल, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको हम एक प्रकार से और बोलेंगे तो हिम्मत मत हारो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लूज हार्ट, डू नॉट लूज हार्ट को हिम्मत मत हारो, सिट ऑन माई बैक, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, आई एम गोइंग टू टेक यू आउट सून, आई एम गोइंग टू मैं ले जाने वाला हूँ, टेक यू आउट सून तुम्हें बाहर जल्दी ही, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर ले जाने वाला हूँ, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, हिम्मत मत हारो, ही फादर सेड टू द मैन, उसने आगे आदमी से कहा, फादर यानी आगे, सेड और आगे भी उसने आदमी से क्या कहा, देखिए, नाउ अब लिसन टू मी, मुझे सुनो, अटेंटिवली इसका मतलब ध्यान से, मुझे ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान से सुनो, वाइल आई एम असेंडिंग द हिल, वाइल यानि दौरान, आई एम असेंडिंग यानि जब मैं वहां पे क्या कर रहा, चढ़ रहा द हिल यानि मैं चढ़ने के दौरान, जब मैं हिल पर पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान, होल्ड मी फर्मली, होल्ड मी, होल्ड यानि पकड़ना, मी यानि मुझे, फर्मली यानि होता है मजबूती से, जोर से, उसे फर्मली बोलते हैं, मुझे जोर से पकड़े रहना, एज सून एज यू सी दैट, जैसे ही, एज सून एज यानि जैसे ही, यू सी दैट तुम देखोगे कि आई एम आउट ऑफ द ट्रेंस, मैं बाहर आ चुका हूँ खाई से, कि मैं खाई से बाहर हो चुका हूँ, है ना, मैं खाई से बाहर आ गया हूँ, एंड देयर इज नो डेंजर टू यू, और देयर इज नो डेंजर, और कोई भी खतरा नहीं है तुम्हारे लिए, टू यू यानी तुम्हारे लिए, जंप फ्रॉम माई बॉडी, ठीक है, जंप यानी कूद जाना, फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम यानी से, माई बॉडी यानी मेरे शरीर से कूद जाना, टू रिलीव मी फ्रॉम द लोड, रिलीव मी यानी मुझे, रिलीव मी यानी मतलब हल्का करना, है ना, उसे रिलीव करना बोलते हैं, छोड़ना, फ्रॉम द लोड, इस भार से मुझे आजाद करना भी रिलीव कहते हैं, ठीक है, तो तुम मुझे क्या कर देना, जैसे ही तुम्हें पता चले कि यहाँ पे खाई से हम बाहर आ चुके हैं, तो तुम क्या करना, मेरे बॉडी से, जब मेरे पीठ से, तुम क्या करना, वहां से कूद जाना, और मेरे जो भार है, जो तुम्हारा भार है मेरे ऊपर, उसे क्या कर देना, हल्का कर देना, फिर रिलीव कर देना मुझे, उस भार को हटा देना, तो ठीक है, देखिए किस प्रकार से चढ़ा रहा है, द मैन सेट ऑन द बैक ऑफ द मंकी, ठीक है, आदमी उस बंदर की पीठ पर बैठा, एंड कॉट हिम टाइटली, कॉट यानी पकड़ा, ठीक है, कैच यानी पकड़ना, उसका पार्श्व में कॉट हो जाता है, इसे कॉक्ट नहीं पढ़ेंगे, कॉट पढ़ेंगे, और उसे जोर से पकड़ा, टाइटली यानी जोर से पकड़ा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, बोथ ऑफ देम केम आउट, वो दोनों बाहर आ गए, ऑफ द ट्रेंस यानी खाई से बाहर आ गए, इट वॉज अ टफ एक्सरसाइज फॉर द मंकी, ठीक है, ये कठिन एक्सरसाइज यानी मेहनत, ठीक है, बहुत ज्यादा कसरत थी, बहुत कड़ी कसरत थी, मेहनत थी द मंकी बंदर के लिए, ही वॉज टोटली एग्जॉटेड एंड टायर्ड, वह टोटली यानी पूर्णतः, पूरी तरीके से एग्जॉटेड, मैंने आपको बताया था, थक गया था, या फिर कम, या फिर बोलते हैं ना थक जाना, हार जाना, सॉरी कमजोर हो जाना, कमजोर हो चुका था, एंड टायर्ड और थक चुका था, तो एग्जॉटेड यानी थकना भी होता है, कमजोर पड़ जाना, है ना, सुस्त पड़ जाना को भी एग्जॉटेड कहते हैं, बहुत सारा इसका मीनिंग है, टायर्ड और थक गया था, सुस्त पड़ गया था तो और थक चुका था, ही ले डाउन, ले डाउन यानी होता है नीचे लेट जाना, ऑन द ग्राउंड जमीन पर नीचे लेट गया, एंड सेड टू द मैन और आदमी से कहा, देखिए अब जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी अब थोड़ा बदल रहा है, क्या कहा आदमी से, देखिए, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, ये जंगल फुल ऑफ वाइल्ड यानी होता है जंगली एनिमल्स यानी जानवर, यानी जंगल, फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, पूरी तरीके से जंगली जानवरों से भरा हुआ है, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए, टू रिकवर फ्रॉम द फैटिक, ठीक है, टू रिकवर यानी होता है मतलब उसे क्या होता है, फिर से तैयार करना, रिकवर करना, फ्रॉम यानी से, ठीक है, फटीक लिखा हुआ, फटीक का मतलब होता है थकान, इसे भी थकान कहते हैं, देखिए यानी थकान से अपने आप को फिर से रिफ्रेश करने के, रिकवर करने के लिए मैं कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ, टेक केयर ऑफ मी एज वेल एज ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ मी, मेरी क्या करना, सुरक्षा करना, केयर यानी सुरक्षा करना, ध्यान देना, एज वेल एज ऑफ योर सेल्फ यानी इसके अलावा तुम्हारी भी, एज वेल एज यानी अपनी भी, योर सेल्फ यानी खुद की भी सुरक्षा करना मेरे साथ साथ, उसे एज वेल एज कहते हैं, ठीक है, साथ साथ उसे एज वेल एज यानी मेरी तो आप सुरक्षा करना ही करना और अपनी भी साथ साथ करना, सो दया वेंट ऑफ टू स्लीप, तो दया क्या हो गया, वेंट ऑफ टू स्लीप यानी सोने के लिए सो गया,
ऑन अ नियर बाई रॉक, ऑन यानी पर, अ नियर बाई, नियर बाई नहीं होते, पास के रॉक यानी चट्टान, पास के चट्टान पर सो गया। द मैन अश्योर्ड दया सेइंग, ठीक है, तो आदमी ने क्या किया, अश्योर्ड किया, अश्योर्ड यानी होता पक्का करना, आश्वासन, ठीक है, उसे आश्वासन देना भी बोलते हैं, तो आदमी ने आश्वासन दिया उसे, मान जवान बोल सकते हो आप लोग, उर्दू में तो खैर क्लियर नहीं है मुझे, दया को ये कहकर आश्वासन दिया कि फ्रेंड दोस्त, टेक अ साउंड स्लीप, टेक यानी लो, साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, गहरी नींद लो, आई विल कीप अ वॉच ऑल अराउंड, आई विल कीप, मैं रखूंगा, वॉच यानी ध्यान देना, पहरा देना, ऑल अराउंड, मैं चारों तरफ ध्यान दूंगा, चारों तरफ पहरेदारी करूंगा, चारों तरफ अच्छे से ध्यान दूंगा, तुम गहरी नींद में सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बोल दी, बस इतना बचा और एक पेज थोड़ा सा बचा है फिर हो जाएगा। आफ्टर द मंकी स्लैप्ट, बंदर के सोने के बाद, ठीक है, स्लीप का पास्ट टेंस स्लैप्ट, आफ्टर आने के बाद, बंदर के सोने के बाद, द मैन थॉट अदरवाइज, आदमी ने अदरवाइज यानी और कुछ, ठीक है, सोचा, ही हैड बिकम वीक, कि वह क्या हो चुका है, हैड चुका था, चुकी थी, उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, चुका हूं, चुके हैं, लिया हूं, दिया हूं, तो वहां पे हैव या फिर हैज का यूज होता है, लेकिन पास्ट टेंस में सभी के लिए हम हैड का यूज करते हैं। ही हैड बिकम, वह हो चुका था वीक यानी कमजोर हो चुका था, एज ही हैड नथिंग मच टू ईट, जैसे कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे हैड के यानी किसी के पास कुछ चीज होना, उसके लिए भी हम हैड का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी हैड का यूज करते हैं, तो देखिए बहुत सारा मतलब है। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, मच यानी बहुत ज्यादा, टू ईट खाने के लिए, ड्यूरिंग हिज फॉल, ड्यूरिंग यानी दौरान, हिज फॉल उसके गिरने के दौरान, इन द ट्रेंच खाई में गिरने के दौरान, उसके पास खाने के लिए जैसे कि कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। फॉर अ फास्ट रिकवरी, फॉर यानी के लिए, फास्ट रिकवरी यानी जल्दी रिकवर करना यानी फिर से ठीक होने के लिए, फिर से जल्दी से ठीक होने के लिए। ही थॉट ऑफ ईटिंग द मंकी, देखिए कितनी बड़ी बात, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ ईटिंग खाने के लिए, द मंकी बंदर को खाने के लिए सोचा कि मैं बंदर को खाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, जल्दी से फिर से रिकवर हो जाऊंगा। देखिए कितनी बुरी बात है, बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बुरी बात है। सो ही पिक्ड अप, तो उसने उठाया, पिक यानी उठाना, पिक्ड यानी उठाया, अप यानी ऊपर, उसने एक पत्थर उठाया, अ लार्ज स्टोन यानी बहुत बड़ा पत्थर, स्टोन यानी पत्थर, और वहां पे हमने रॉक पढ़ा तो रॉक यानी चट्टान होता है, स्टोन यानी पत्थर, उसने बहुत बड़ा पत्थर उठाया, एंड एम्ड, एम्ड यानी होता है निशाना लगाना, तो निशाना लगाया, क्योंकि एम्ड पास्ट टेंस, ईडी लिखा हुआ है, इट ऑन द हेड यानी सिर पर, ऑफ द मंकी बंदर के सिर पर उसने निशाना लगाया। As the man, as यानी जैसे कि आदमी, was weak, कमजोर था, वो आदमी कमजोर था, a stone slipped, पत्थर slipped यानी फिसला, and fell, और गिरा, some distance, some यानी कुछ दूरी पर, away, away यानी दूर, यानी कुछ दूरी पर गिरा, from the animal, जानवर से, उस जानवर से, यानी कि उस बंदर से कुछ दूरी पर जाके गिरा, creating a big sound, creating यानी आवाज करके, a big sound, सॉरी क्रिएटिंग यानी करके अ बिग साउंड यानी एक बड़ा आवाज निकाल कर, भाई सीधी सी बड़ी बात है, बड़ा पत्थर फेंका तो उस बंदर से कुछ दूर जाके गिरा और बहुत जोरदार आवाज, बिग साउंड यानी बहुत जोर से आवाज हुआ, देखिए बगल से गिर गया, फिर क्या हुआ देखिए, हियरिंग द साउंड, सॉरी हियरिंग द लाउड साउंड, लाउड यानी होता है जोर से, है ना, बहुत तेज आवाज, उसे लाउड बोलते हैं, तेज आवाज सुनकर द मंकी वोक, बंदर उठा, वेक यानी उठना, उसका पास्ट टेंस वोक होता है, बंदर उठा या फिर जागा, एंड रियलाइज द बैड इंटेंशन, और रियलाइज महसूस किया, बैड यानी बुरा, इंटेंशन यानी होता है इरादा, बुरा इरादा को महसूस किया, ऑफ द मैन, उस आदमी के बुरा इरादा को उसने क्या कर लिया, महसूस कर लिया कि अरे इसका इरादा तो बुरा है, ठीक है, देखिए बेचारा उतना ऊपर ले आया और इस आदमी को देखो भूख मिटाना चाह रहा है, ये नहीं लाता तो ऐसे ही मर जाता। ही वॉज, वह था, क्या था, बस देखिए यही इतना बचा है फिर हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ही वॉज सरप्राइज बाई दिस, वह इससे क्या था, हैरान था, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आस्क यानी पूछना, और उससे पूछा, यू हैड अश्योर्ड टू कीप अ वॉच, तुमने क्या किया था, अश्योर्ड किया था, अश्योर्ड यानी मैंने आपको बताया था ना कि तुमने क्या किया था, मुझे आश्वासन दिया था, वादा किया था, टू कीप अ वॉच, कि तुम क्या करोगे, देखभाल करोगे, नजर रखोगे, बट लेकिन
इंस्टेड मतलब होता है बजाय, इंस्टेड यानी होता है बजाय, लेकिन इसकी बजाय यू वॉन्टेड टू किल मी, तुम मुझे मारना चाहते थे, वॉन्टेड चाहते थे, टू किल मी तुम मुझे मारना चाहते थे, वाय क्यों, तुमने तो बोला था भाई बचाओगे लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। बस द मैन हैड नथिंग टू से, आदमी के पास कुछ भी कहने को नहीं था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू से यानी कहने के लिए, सो ही केप्ट साइलेंस, तो वह कीप यानी रहना रखना, केप्ट यानी रखा, साइलेंट यानी शांति चुपचाप, तो वह चुप रहा, भाई उसके लिए कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, पकड़ा गया। दया फेल्ट पिटी ऑन हिम, अभी भी देखिए दया जो बंदर था, फेल्ट पिटी यानी उसके ऊपर क्या हुआ, पिटी यानी होता है दया महसूस होना, उसे पिटी कहते, ठीक है, उसके ऊपर अभी भी उसे दया महसूस हुआ, दया आया, ऑन हिम उस पर, एंड सेड और कहा, फ्रेंड दोस्त, ऑल दो यानी हालांकि, आई एम अ मंकी हालांकि मैं एक बंदर हूं, येट फिर भी, आई सेव्ड योर लाइफ तब भी मैंने तुम्हारी जान बचाई, बट लेकिन यू आर ह्यूमन तुम एक आदमी, बिहेव इन एन अनग्रेटफुल मैनर, लेकिन तुम एक आदमी होकर भी तुमने बिहेव यानी होता है बर्ताव किया, एक अनग्रेटफुल यानी बुरा मैनर यानी होता है वही तरीका, ठीक है, बर्ताव, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैनर यानी व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया, बर्ताव किया आदमी होते हुए भी, आई एम रियली हर्ट, मैं बहुत ज्यादा, रियली यानी सचमुच में, हर्ट यानी होता है बोलते हैं ना बुरा मानना, दुखी होना, चोट पहुंचना, मैं बहुत ज्यादा इससे क्या हूं, दुखी हूं। दया फर्दर सेड टू हिम, दया ने फर्दर यानी आगे भी उससे कहा, उस उतना कहने के बाद भी फर्दर यानी आगे उससे क्या कहा, देखिए, नाउ अब लेट मी लीड, ठीक है, लेट मी लीड यू आउट ऑफ दिस डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद भी क्या बोल रहा है, देखिए, लेट मी, चलो मैं तुम्हें क्या कर देता हूं, लीड यानी अगुवाई करना, आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी होता है घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, इस घने जंगल से तुम्हें बाहर आने के लिए लीड करता हूं, तुम्हारे आगे आगे मैं चलता हूं ताकि तुम बाहर आ सको, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता यू टू लूज योर लाइफ, कि तुम अपनी जीवन क्या कर दो, खो दो, जीवन गंवा दो, जान गंवा दो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान गंवा दो, बाई फॉलिंग प्रे टू सम वाइल्ड एनिमल, बाई फॉलिंग प्रे यानी शिकार बनना, प्रे यानी शिकार, फॉलिंग यानी बनना, यानी कि तुम शिकार बन जाओ टू सम यानी कुछ, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल, कुछ जंगली जानवरों के तुम क्या बन जाओ, शिकार बन जाओ, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी अगुवाई करके, देयर आफ्टर उसके बाद द मंकी हेल्प द मैन आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेड, बंदर ने मदद की उस आदमी को उस जंगल से बाहर आने के लिए, एंड सेड और कहा, फ्रेंड दोस्त, बस इतना ही है, खत्म होने वाला है, दोस्त नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, नाउ अब यू आर, आप हो आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर हो, You can go to your home. अब तुम अपने घर जा सकते हो without any worries, बिना किसी चिंता के, without यानी बिना किसी, any यानी कोई भी, worries यानी चिंताओं के, बिना किसी चिंता के तुम अपने घर जा सकते हो, May God help you, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। उसके बाद भी देखियो बेचारा बंदर इतना कुछ जान रहा था, मार डालने वाला, खाने वाला था, उसके बाद भी उसने उसकी मदद की, उसके बाद भी उसके लिए क्या बोल रहा है कि भगवान तुम्हारी सहायता करे, बस एंडिंग यही है। द गुड नेचर्ड मंकी रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड लिव्ड इन पीस, और वो जो अच्छे स्वभाव का बंदर रिटर्न वापस आया जंगल में और रहने लगा, शांति से रहने लगा, इन पीस यानी होता है शांति, शांति से रहने लगा। बट द गिल्टी मैन, लेकिन वो गिल्टी यानी होता अपराधी, ठीक है, जो वो अपराधी आदमी था, जो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था, कुड नेवर लिव इन पीस, ठीक है, कुड नेवर, कभी भी नहीं रह सका, लिव इन पीस यानी शांति से नहीं रह सका, जो अपने आप को क्या था, अपराधी था। ही लेड अ लाइफ, वो आगे के जीवन, लेड अ लाइफ यानी आगे के जीवन जिया, फुल ऑफ मिस्री एंड सोरो, ठीक है, पूरे फुल ऑफ यानी भरा हुआ, मिस्री का मतलब क्या होता है, मिजरी का, मिजरी बढ़ते इसे मिजरी, इस प्रकार से कष्ट एंड सोरो यानी होता है शोक, ठीक है, वो अपनी पूरी जीवन कष्ट और शोक में, दुख में जीने लगा, आगे का जीवन पूरा ऐसे ही जिया, क्योंकि बार बार वो तो शांति से था बंदर, क्योंकि भाई उसने तो इतना अच्छा काम किया था कि जीवन भर खुश था कि देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया, मन में प्रसन्नता थी, लेकिन ये जो आदमी था वो गिल्टी, अपराधी महसूस करने लगा, गुनाहगार जिसे कहते हैं ना, उसे गिल्टी कहते हैं, गुनाहगार महसूस करने लगा अपने आप को, और उसके बाद वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं था, शांतिपूर्वक नहीं रह पाया, और हमेशा दुख में और शोक में जीवन बिताने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो
बंदर ने उसके लिए क्या किया और उसने उसके साथ क्या किया, जिंदगी भर उसे ये सब भोगना पड़ा और बाद में मर गया होगा ऐसे दुखी होकर। तो ये थी आज की स्टोरी, इतनी लंबी स्टोरी, आप देख सकते हैं 40 मिनट तक बिना रुके लगातार मैंने आपको पढ़ाया है। मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि यदि व्यू के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो केवल 5-5 मिनट की वीडियो भी बनाऊंगा तो भी मुझे उतने ही व्यू आने हैं, ज़्यादा ही व्यू आने हैं, क्योंकि कम मिनट की वीडियो में ज़्यादा व्यू आते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो को ज़्यादा लोग देखते नहीं है, देखते ही छोड़ देते हैं, इतनी लंबी वीडियो कौन देखे। लेकिन जो भी देख रहे हैं आप लोगों को धन्यवाद, और जो भी मेहनत की हो, थोड़ी भी पसंद आती हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आगे पीछे कहीं भी मैं दिया हुआ होता हूँ, स्क्रीनशॉट लिखा हुआ होता है। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।